गाजीपुर में कोरोना संक्रमण रोजाना बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। आज हम आपको गाजीपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण के ताजे आंकड़े बताएंगे, इसलिए खबर को अंत तक देखिए। साथ ही ये भी, जो मरीज होम क्वारंटाइन है और सरकार के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके साथ प्रशासन क्या करेगा। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि मंगलवार की रात आई रिपोर्ट में 26 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। हालांकि इस खबर में हम आपको इन कोरोना संक्रमित मरीजों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं देंगे। इस खबर के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि अब तक गाजीपुर में कोरोना की क्या स्थिति है। सबसे पहले आपको बता दें कि खबर बनाए जाने तक गाजीपुर में कोरोना के कुल 1754 मरीज पाए जा चुके हैं, जिनमें से कुल 801 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव भी आ गई है और उन्हें डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। इसके अलावा अब तक 327 लोग होम क्वारंटीन में ठीक भी हो चुके हैं, जो कि काफी राहत की खबर है। हालांकि अब तक जिले में कोरोना वायरस के कारण 13 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। इन सभी आंकड़ों के बाद देखा जाए तो जिले में कोरोना के कुल 612 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें से 303 मरीज होम क्वारंटाइन में हैं। अब आपको बता दें कि होम क्वारंटाइन मरीज अगर गाइडलाइंस का पालन नहीं करते तो उनके साथ क्या होगा। मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट में बनाए गए कोविड 19 कंट्रोल रूम के औचक निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने कहा कि होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्ति को भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का 100% पालन करना होगा, अन्यथा पालन न करने वाले व्यक्ति को जबरन L1 अस्पताल में भर्ती करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।